नमस्ते, मैं अजीत चौहान, मेरे साथ साहिद भाई है। तो इस वक्त हम अपने प्लांटेशन साइड पे बैठे हुए हैं। तो आप हमारे जो सामने आप देख रहे हैं जो पानी इकट्ठा है, तो ये हम जो प्लांटेशन साइड है, ये हमने यहाँ पे 20 ऐसे पॉन्ड बना रखे हैं छोटे छोटे। तो इसका जो बेनिफिट होता है एक आपके प्लांटेशन साइट पे, वो बेनिफिट क्या है आज उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसका जो बेनिफिट है कि ये पानी अगर आपके प्लांटेशन साइट पे आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इसको कैसे लाया जा रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है आपके प्लांटेशन साइट पे वो क्या होता है, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो साहिद भाई, थोड़ा शुरुआत करेंगे हम। तो जैसे कि ये एक प्लांटेशन साइट है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये जो हमारे आसपास पौधे लगे हैं। तो पौधे लगाने के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी। पानी के बिना पौधे को उगाना और बड़ा करना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि अभी शहरीकरण होता जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी की कमी जो है आजकल देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पानी की काफ़ी कमी हो गई है। तो अब जब पौधा लगाया है तो इसमें पानी भी डालना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पानी को क्यों ना बचाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जगह जगह पे जहाँ हमें थोड़ा सा स्पेस मिले, जहाँ डाउन वाली जगह हो, जहाँ ज़मीन थोड़ा सा गड्ढा हो, ढलान हो, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हम गड्ढे बना सकते हैं, जिसको वाटर पॉन्ड बोलते हैं। और कुछ लोग इसको वाटर बैंक्स भी बोलते हैं। वाटर बैंक का मतलब, बैंक का मतलब ये हो गया कि जहाँ आपने एक बार चीज़ें जमा कर दी और धीरे धीरे ज़रूरत के टाइम पर आप उसको निकाल के इस्तेमाल कर। तो इसी तरह से ये एक वाटर बैंक है। तो ये कैचमेंट एरिया में बनाया गया है, जहाँ पे एक बारिश हो तो चारों तरफ से पानी ढलान पे आके जमा हो जाए। तो इसमें हम दो तीन तरीके से पानी को जमा कर सकते हैं। एक तो ये बनाने का मकसद ये था कि बारिश जब हो तो पानी यहाँ पे जमा हो जाए, तो इस पे पानी जमा हो रहा है। साथ में यहाँ पे एक हैंडपम्प है, जो बहुत अच्छी बात है। तो हैंडपम्प लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ का पानी जो भी निकल रहा है वो गड्ढे में जमा हो रहा है। तीसरा है कि आसपास बहुत सारी यहाँ पे नालियाँ हैं, घर से जो नालियाँ निकलती है उसका गंदा पानी है। उसके गंदे पानी को भी हम अगर कुदरती तरीके से साफ करें तो उसको भी पौधों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। तो उसी तरह से एक ये वाटर पॉन्ड यहाँ पे है, जिसको वाटर बैंक बोलते हैं। अब इसके फ़ायदे ये है कि इस तरह से जैसे गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी जमा है, तो पानी देखिए यहाँ है लेकिन इसकी नमी यहाँ तक है। तो ये तो खुला हिस्सा है इसलिए दिख रहा है, लेकिन इसकी नमी जो है ये आगे इधर तक है, दूर तक है। इससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो हमारा पानी बह के निकल रहा था बारिश में, या हैंडपम्प का पानी जो वेस्ट हो रहा था, या फिर नाली का जो पानी है वो गंदा पानी था, वो किसी काम में नहीं आ रहा था, मच्छर और कीड़े मकोड़े पनप रहे थे, गंदगी हो रही थी, तो वो पानी हमने यहाँ पे जमा कर दिया है। अब नमी जाने के साथ क्या है कि अगल बगल के पौधों को नमी मिलती है, तो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होती है। साथ में पानी होने से ज़मीन में जो सूखापन है वो ख़त्म हो जाता है, जो हवा चलती है, धूल उड़ता है, ये भी कम हो जाता है। और नमी होने से बहुत सारे बैक्टीरिया है, अर्थवर्म्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, तो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। साथ में पानी जब जमा है तो ये पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है, तितलियों को अच्छा लगता है, छोटे जानवर हैं उनको अच्छा लगता है। तो ये एक तरह का सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो जो बारिश का पानी उसको इकट्ठा करके हम पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नाली का जो गंदा पानी है उसको साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पर्यावरण को तो फ़ायदा दे ही रहा है पेड़ पौधों के साथ में। इंसानों की जो समस्या है, पानी जमा होता है, मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, बीमारी फैलाते हैं, वो समस्या भी दूर होती है क्योंकि पानी साफ हो जाता है। और तीसरा चीज़ ये है कि ये वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से एक वाटर पॉन्ड जो है, वाटर बैंक, बहुत सारे काम में आता है। इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और इकोनॉमिक वैल्यू भी है इसकी, इन्वायरमेंटल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू की हम बात करें तो इसमें जितना पानी स्टोर है, ये लगभग 5000 लीटर के बराबर पानी यहाँ पे जमा है। अब ये 5000 लीटर पानी जो है कम से कम 10000 पौधों को ये पानी दे देगा, उसको जिंदा रखने के लिए सहायक होगा। इस तरह से हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं पानी को अगर जमा करें। ठीक है, तो वाटर बैंक के इतने सारे फायदे हैं। तो आपने देखा कि 3-4 तरह के पानी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कि आपके बगल में जो नल है वहाँ का जो पानी वेस्ट होता है तो आपका स्टोर होता है, आपके जो गांव का गंदा पानी निकलता है उसे साफ करके स्टोर किया जाता है। और तीसरी चीज़ है कि अगर बारिश जो होती है, बारिश में क्या होता है कि अपना आपका जो पूरा एकदम प्लेन है तो वो बह कर कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकल जाएगा पानी। तो पानी की ज़रूरत आपको यहाँ पे है, लेकिन वो पानी बह कर आपका कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर
नाली को थ्रो बहकर निकल जाता है। तो उसका फ़ायदा है कि पानी जो स्टोर आपका जो पानी यहाँ पे इस धरती पे गिर रहा है वो वहीं का वहीं पे धरती में चला जा रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि पानी जहाँ गिर रहा है वहीं पे स्टोर हो रहा है। तो ये 3-4 तरीके से हम पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका जो पानी का जो बेनिफिट है वो अभी आपने जाना। तो ये आज का ये पर्पज़ था हमारा बताने का। तो हम सबके साथ ग्राउंड लेवल नीचे का पानी है वो भी इंक्रीज होता है, तो पानी रिसता हुआ ज़मीन में जा रहा है। तो नीचे के जो एक्वाफायर्स हैं जिसमें पानी स्टोर होता है उसकी लेवल और सरफेस जो है वो बढ़ता है, उसमें इजाफा। ओके, थैंक यू।